पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हरियाणा आपदा विभाग, राजस्व विभाग व बिजली विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी पीके दास जी हमारे साथ मौजूद हैं, बातचीत करेंगे। सर आपका स्वागत है पंजाब केसरी। धन्यवाद सर। जिस प्रकार से पीछे बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, उसको देखते हुए क्या गिरदावरी के कोई आदेश किए गए? हाँ, कुछ प्रिलिमिनरी रिपोर्ट मिला है कि कुछ गाँव में ओला की वजह से या अत्यधिक बारिश की वजह से फसल खराब हुई है। अभी क्योंकि हमारी जनरल गिरदावरी चल रही है, जिन गांव में अब ऐसे शिकायत आई है वहां जनरल गिरदावरी में ही ये कवर हो जाएगा। लेकिन अगर ओलावृष्टि से पहले वो जनरल गिरदावरी वहां हो गया था तो वहां स्पेशल गिरदावरी करने के लिए आदेश दे दिए गए। सर, जो स्पेशल गिरदावरी के पीछे आदेश दिए गए थे उसकी क्या रिपोर्ट वगैरह आई कोई पीछे? जो पहले बारिश हुई थी इससे, ओलावृष्टि से पहले जो बारिश, पहले स्पेशल गिरदावरी का ऑर्डर नहीं हुआ था। तो सर जो ये किसानों को मुआवजा है, कब तक मिलने की संभावना मानी जा सकती है? जो खरीफ 2021 के मुआवजा है 560 करोड़ हमने भेजा था, वो बंटना शुरू हो गया है। मेरे पिछली जानकारी के मुताबिक 24,000 किसानों को ऑलरेडी पैसा मिल चुका है और कल ही हमने डिप्टी कमिश्नर को वो मुआवजा बांटने की गति को और तेज करने के लिए कहा है। सर, बिजली विभाग आपके पास है, दक्षिण हरियाणा के उच्च अधिकारी ने पिछले दिनों कहा था, शायद आपके संज्ञान में आया हो, कि 154 करोड़ के करीब के मुकदमे जो हैं वो पुलिस दर्ज नहीं वहाँ कर रही, कुछ ऐसा मामला आपके संज्ञान में आया क्या? जिन्होंने वो स्टेटमेंट दिया था वो अधिकारी नहीं है जो इस बारे में कुछ कह सकें, लेकिन जब मेरे संज्ञान में ये बात आया है मैंने मैनेजिंग डायरेक्टर को इसके बारे में रिपोर्ट मांगा है। सर, बिजली विभाग में क्योंकि गर्मी आ रही, आगे बिजली की कोई समस्या न रहे, उस चुनौती को तो कैसे निपटा जाएगा? हर साल की तरह इस साल भी पहले तो रबी फसल की जो रिक्वायरमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए हमने तैयारी की है और फिर गर्मी को ध्यान में रखते हुए हमने तैयारी की है और मुझे आशा है कि हरियाणा के लोगों को बिजली गर्मी के दौरान बिजली की कमी की सामना करना नहीं पड़ेगा। सर, बिजली की में खपत क्योंकि बढ़ जाती है, पिछले साल से तुलना की जाए तो इस साल कितनी आपने व्यवस्था कर रखी है? देखिए, पिछले साल आपको पता है कि जब गर्मी की, जो प्रचंड गर्मी जब हो रहा था तो उसमें हर रोज़ करीब 23 करोड़ खपत हो रहा था, तो हमें तैयारी उसी मुताबिक है, उस बल्कि थोड़ा उससे ज़्यादा है। तो सर, बिजली चोरी रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, 14-15 में करीब 30% बिजली की लॉस थी, 80 जो दिसंबर 2021 में कम हो के करीब 15% हो गया था, 30% से आधा 15% हो गया था। चोरी रोकने के लिए और टेक्निकल परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जो कई सारे कवायद हुए थे उसकी वजह से ये हुआ है। अब चोरी रोकने के लिए सबसे बड़ी चीज़ जो की जा रही है कि आर्मर केबल लगाए जा रहे हैं, सभी जो बचे हुए गांव हैं उनको जगमग में कवर किया जा रहा है, जो अर्बन एरिया में जो स्लम्स है, बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट है, वहाँ चोरी रोकने के लिए धरपकड़ किया जा रहा है तो उससे भी कम हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे धीरे धीरे हमारे ATC जो है कम होगा। तो मुझे अभी पता नहीं, लेकिन जब HERC ऑर्डर करेंगे तो इस साल कितने लॉस लेवल पे वो हमें ARR देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हमारी तरफ से लगातार प्रयास जारी रहेगा कि हम चोरी को रोकें और टेक्निकल परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएं। सर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट आपके पास है, पिछले दिनों जो कारण बताओ नोटिस कई लोगों को जारी किए गए, अधिकारियों को, तहसीलदारों को जारी किए गए, उसमें क्या रिप्लाई आए कुछ लोगों के? रिप्लाई हमारे पास नहीं आएंगे, वो जिले के डिप्टी कमिश्नर के पास आएंगे, वो आ रहा है, हम सिचुएशन को रिव्यू कर रहे हैं और उसमें जब उनके जवाब आ जाएंगे तो गुण दोष के आधार पर उनके फैसले लिए जाएंगे। सर, जो लोग भयभीत हैं इस बात को लेकर, कारण बताओ नोटिस को लेकर आंदोलन की बात कर रहे हैं, उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने कोई गलती नहीं की है, आपको किसी भी तरीके से कोई हरासमेंट नहीं होगा, कोई सजा नहीं होगा, लेकिन अगर आपने गलती की है, जो गलती किया है उसको तो सजा भुगतना ही है। धन्यवाद सर। तो ये हैं पीके दास जी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हैं हरियाणा आपदा विभाग के, राजस्व विभाग के और बिजली विभाग के, जिन्होंने कई मुद्दों पर हमारे से चर्चा की। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।